गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर्स। सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम किसी भी कार्यालय या हम किसी विभाग में लिखते हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनका एक निश्चित प्रारूप होता है, इनका जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स्ड है। कोई आवेदन पत्र हमने लिखना है, कोई प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, या कोई अपनी समस्या बताने के लिए किसी कार्यालय में पत्र लिखा जा रहा है, किसी संपादक को यदि हम पत्र लिख रहे हैं, इस तरह के पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ओके, फॉर्मेट। सबसे पहले सेवा में, अगर आप अपने विद्यालय में लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय की, अपने विद्यालय का नाम, फिर विद्यालय की लोकेशन और शहर का नाम। यदि आप पत्र किसी कार्यालय में लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? प्रबंधक महोदय। अदरवाइज जो ये प्रबंधक महोदय मैंने लिखा है, अगर पेपर में आपको नहीं लिखा हुआ कि आपने पत्र किसको लिखना है, पत्र का हेडिंग दिया पर उसमें मेंशन नहीं है कि पत्र हमने किसको लिखना है, फिर आप प्रबंधक महोदय लिखेंगे। अदरवाइज आपके पत्र में 99.9% मेंशन होता है कि आपने किस कार्यालय में पत्र लिखना है, कि उस व्यक्ति का कि जो पद है वो उस कार्यालय में क्या है। नेक्स्ट, उनके कार्यालय का पता। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, फिर लाइन छोड़ के देन विषय, यानी कि हम सब्जेक्ट। उसके बाद लाइन छोड़ के उसके बाद हमारा आता है संबोधन, यानी कि हम उन्हें क्या संबोधित करेंगे। इसमें हमेशा महोदय ही आता है। उसके बाद विषय से संबंधित अपने विचार लिखने हैं। और औपचारिक पत्र का हमेशा जब हम इन्हें शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं, सविनय निवेदन यह है कि। अगर आप अपने विद्यालय में लिख रहे हो तब भी आप ऐसे लिखो कि सविनय निवेदन यह है कि। अगर आप किसी ऑफिस में लिख रहे, किसी कार्यालय में लिख रहे हो तो भी आपने ऐसे ही लिखना, सविनय निवेदन यह है कि। ओके, उसके बाद आपने विषय से संबंधित अपने विचार लिखने हैं। देन जब आपकी पूरी अपने पूरा आपने लेटर लिख दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर धन्यवाद या धन्यवाद सहित, दोनों ठीक है। नेक्स्ट, एक लाइन छोड़ के देन आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आपने अपने विद्यालय में लिखा है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आपने किसी कार्यालय में लिखा है तो फिर आपने हमेशा भवदीय ही लिखना है, उसमें आपका आगे का शिष्य नहीं आएगा, वो सिर्फ विद्यालय में आएगा। अगर आप विद्यालय में लिख रहे हैं तो आपका आगे का शिष्य आएगा, अदरवाइज आप भवदीय ही लिखेंगे। नीचे आपका नाम, पत्र लिखने वाले का नाम, आपका स्वयं का नाम आएगा। धन्यवाद।